नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। बीसीसीआई से बहुत बड़ी गलती हो गई और इसका खामियाजा कहीं पाकिस्तान से एशिया कप में भारत को हार के साथ न चुकाना पड़े, साथ ही एशिया कप भी कहीं भारत के हाथ से ना निकल जाए। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त ट्विटर पर कोहराम मचा हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत की जीत के बाद, क्योंकि दो खिलाड़ियों ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया है जिन्हें टीम में होना चाहिए था, एशिया कप की टीम में और मेन टीम में होना चाहिए था। हालांकि वो स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर गए हैं, लेकिन अब दर्शक और फैंस यही कह रहे हैं कि उन्हें मेन टीम में होना चाहिए और उन्हें मेन टीम में ना रखकर बीसीसीआई ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है और हो सकता है कि एशिया कप में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। वहीं आपको बता दें कि एशिया कप शुरू होने से पहले बीसीसीआई इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है और दोनों खिलाड़ियों को मेन टीम में ला सकती है। ये दोनों खिलाड़ी कौन है, अब आप अगर कल का मुकाबला देखे होंगे तो समझ चुके होंगे, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज हैं। एक ने काफी लंबे वक्त बाद वापसी की है तो दूसरे ने भी शानदार तरीके से गेंदबाजी की है। एक का नाम है दीपक चहर तो दूसरे हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, और इनका जो कल बॉलिंग फिगर रहा वो बताता है कि कितनी काबिलियत वाले गेंदबाज हैं ये, और इनको स्टैंड बाई पे रखकर गलती कर दी है बीसीसीआई ने। आपको बता दें कि दीपक चहर ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की और उन्होंने शुरुआती 3 विकेट जिस तरीके से निकाले थे, अपनी पहली 4 गेंद में ही 2 विकेट चटका दिए थे। उन्होंने बुमराह की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी। इसके अलावा अक्षर पटेल ने बहुत ही कसी गेंदबाजी की और अपने लगभग 7.5 ओवर में उन्होंने महज 24 रन खर्च करते हुए 3 शानदार विकेट निकाले। मतलब दोनों खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी और केवल 189 रनों पर जिम्बाब्वे को समेट दिया, जिसके बाद भारतीय ओपनर्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली और दोनों ने 80 के ऊपर का स्कोर किया, शिखर धवन और शुभमन गिल ने। तो फिलहाल अक्षर पटेल और दीपक चहर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि एशिया कप में इनका ना चुना जाना मेन टीम में बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती है। आपको बता दें कि आवेश खान, अर्शदीप, भुवनेश्वर कुमार मुख्य रूप से 3 तेज गेंदबाज भारतीय टीम में हैं। ऐसे में आवेश खान की जगह दीपक चहर को रिप्लेस किया जा सकता है एशिया कप के मुकाबले शुरू होने से पहले। वहीं अक्षर पटेल की जगह तो फिलहाल बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ चहल और रवि बिश्नोई भी उस टीम में हैं। तो फिलहाल अक्षर तो स्टैंड बाई पर ही रहेंगे, लेकिन तेज गेंदबाजी मजबूत करने के लिए बीसीसीआई कुछ बड़ा दांव चल सकती है। फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि इन दोनों को मेन टीम में होना चाहिए था। आपको बता दें कि 27 अगस्त से एशिया कप शुरू होगा, 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला है। देखना होगा कि तब तक बीसीसीआई क्या कुछ परिवर्तन करती है या जो टीम उन्होंने भेज रखी है वही टीम मैदान पर उतरती है।